जब हम दुश्मनों का ख्याल करते हुए अपने पांव नीचे रखते हैं तो हमारे दुश्मन मौत का तसव्वुर करते हुए जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। मामला क्या? मामला तो सिर्फ 25 लाख रुपए का है राणा साहब, लेकिन जो आदमी हजम कर गया है वो है सोनू बदमाश दादा। दादा तो दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। दादागिरी हमेशा के लिए फुला दूंगा। मैं तेरी नाक में वो छल्ला पहनाऊंगा जो कुठे पर कुंवारी लड़कियों को पहनाया जाता है, जिसे कहते हैं नथ। और जब कोई बेवड़ा तेरी नथ उतारेगा ना, तो मौत की रथ पे बैठकर सीधा ऊपर चला जाएगा। कभी कुछ बोला है का? पहाड़ कभी मुंह खोला है का? बोलने के लिए आवाज चाहिए। ये ससुरा आवाज कहां से लेके आएगा? ये तो बेचारा गूंगा है। मार खाने वाला जिंदा तो रहता है लेकिन जीने के लायक नहीं रहता। कहता है मौत सामने आएगी तो मैं डर जाऊंगा। मिस्टर कैलाश तक चलने वाला महादेव का दीवाना हूँ, मौत को भी हर हर महादेव करके निकल जाऊंगा।
ठोकने और शेर की दहाड़ में बहुत फर्क होता है। सीधा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। एक बार सीना तान के खड़ा हो जाऊं, हटने का सवाल ही पैदा नहीं। दीवाना हूँ, मौत को भी हर हर महादेव करके निकल जाऊंगा।